अगले सप्ताह मैं खुद चंद्रशेखर जी से मिलने जेल जाऊंगा। हो सकता है कि अगले महीने अगले हफ्ते हम वकीलों को ना लेके जाएं, लेकिन एक बार जब मेरी चंद्रशेखर जी से मुलाकात होगी, मेरे साथियों की ऑलरेडी उनके साथ मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है, उनके साथियों के साथ मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है, उसके बाद हम पूरा एक सीनियर लॉयर का डेलीगेशन लेकर जेल में चंद्रशेखर से मिलने जाएंगे। क्योंकि NSA के अंदर ऐसा प्रावधान है कि 6 महीने तक कोर्ट सुनता नहीं उनकी बात। तो ये बात हम वकीलों को समझाना चाहते हैं कि ये जो गैर कानूनी है, गैर वाजिब है। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे। ये हमारा कानूनी पक्ष है। दूसरा, हमने ये तय किया है क्योंकि जिस सरकार ने NSA लगाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, हम लोग आने वाले 10 दिन में या 15 दिन में जब पार्लियामेंट का सेशन होगा, हम कुछ नेताओं का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन होम मिनिस्टर के पास लेकर जाएंगे, जिसमें होम मिनिस्टर से कहेंगे आप उसको कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करें, उसको नहीं कर सकते तो कानून की लड़ाई तो है। तीसरा ये है, राजनीति में, लोकतंत्र में लोग सिरों की भाषा समझते हैं। आपके पास जितने सिर हैं उतनी बात सुनते हैं, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। पहला कदम हम ये करेंगे कि आगामी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरे देश के कोने कोने में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे, सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम लोग 8 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक करेंगे, जिसमें हम ये फैसला लेंगे कि जनता का मोबिलाइजेशन कैसे हो और सामान्य भूख हड़ताल से क्या सम्मान का मार्च पूरे देश में निकाला जाए। तो ये भी हम लोग सोच सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि हम लोग तो लॉन्ग, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग हॉल, तो हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब इस लंबी लड़ाई में तो जो करना है वो करेंगे। और हमने ये भी कहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLO को भी हमने कहा है, यदि वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में अगर नहीं उठाते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं दावे से कि सारे नहीं तो कम से कम 50% दलित MLA और आदिवासी MLA और 50% दलित MP और दलित MLA वो विधानसभा और पार्लियामेंट में लौट के नहीं आएंगे। भारतीय जी, आप ये देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए, 70 वर्ष के बावजूद ही हम आराम से बिगर मार्च के, और हम मतलब इतने डरे हुए रहेंगे तो आगे भी मतलब कि इसी तरीके से डरना होगा क्या? देखिए, क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन एक बात जो कही थी उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, मैं उस बात के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब के बाद मैं केवल और केवल गांव वाले लोगों के लिए काम करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो दलितों का आंदोलन है वो दलितों के शहरी मध्यम वर्ग के हाथ में है, और शहरी मध्यम वर्ग को 8 घंटे के बाद आराम चाहिए। राष्ट्रीय दलित महासभा, आदिवासी अधिकार आंदोलन, ये जो सारे संगठन मंच पर जो हैं, ये शहर के आंदोलन नहीं है, शहर के संगठन नहीं है, गांव के हैं। हम गांव में ज़रूरत पड़ेगी, कोई अगर हमारे को ईंट मारेगा तो पत्थर तो हमारे हाथ में भी आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।